I'm hating things on all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous, तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं वापस अपनी डेविल पे और अरे गड्ढे हाँ तो हम लोग आ चुके हैं वापस अपनी डेविल पे और हमारी जो डेविल है वो यहाँ पर सही होके आ चुकी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, टैंक वगैरह बहुत ज़्यादा चमक रहा है, क्योंकि गाइस हम लोगों ने अपनी बाइक की जो पूरी बॉडी है वो यहाँ पर हम लोगों ने आगे से पीछे तक नई डलवा दी। जैसा कि आप लोग को पता होगा टाइटल और थंबनेल से कि मेरा अभी कुछ दिनों पहले नवंबर में एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से जो वीडियोस हैं उसमें भी क्या बोलते हैं आप लोग को अपनी आरएस यानी डेविल जो है वो नहीं दिख रही थी। तो गाइस फाइनली अब जो है हमारी डेविल सही होके आ चुकी है और पूरी की पूरी इसमें बॉडी, मैंने फ्रंट से पीछे तक की जो बॉडी है, मतलब ये पेंटेड वाली जो ब्लैक कलर वाली, ये पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पर मैंने इसमें नहीं डाली है। तो गाइस चलिए आप लोग को मैं पहले तो दिखाता हूँ कि हमारी गाड़ी जो है पूरी दोबारा से बनने के बाद कैसी लग रही है। और बाकी गाइस आप लोग को एक्सीडेंट की भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अभी आगे ही चल के वो स्पॉट आएगा जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो गाइस आप लोग को वो भी मैं दिखाता हूँ। और बाकी गाड़ी में क्या क्या खर्चा है आया है, ये सब चीज़ें पूरी बॉडी का, ये सब चीज़ें भी आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी ये भी जो है ये क्रैक है, कुछ कुछ चीज़ें अभी हैं जो हम लोग को पार्ट्स नहीं मिले थे तो वो अभी भी वही पुराने वाले लग रखे हैं जो डैमेज नहीं हुए थे। तो गाइस चलिए फिर अभी फ़िलहाल चलते हैं और आप लोग को हम लोग अपनी बाइक दिखाते हैं, बाइक से मिलवाते हैं। तो फिलहाल के लिए आप लोग को मैं जो है वो स्पॉट दिखा देता हूँ जहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ मेरा क्रैश हुआ था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ से हमें लेना है राइट, मतलब आप लोग खुद ही सोचोगे यार इतनी खाली जगह में इतना एक्सीडेंट कैसे हो गया कि मुझे बाइक की अपनी जो है फुल बॉडी डलानी पड़ गई। और सच बात है गाइस, ये जगह जो है बहुत ज़्यादा खाली रहती है, लेकिन आप लोग को रीज़न पता चलेगा और फिर शायद आप लोग इस चीज़ को समझ पाओ। तो गाइस आप लोग ये जो टर्न देख रहे हैं ना, ये जो राइट की तरफ जा रहा है वहाँ से रोड आ रही है, तो पहले जो है मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। यही वो जगह है, हाँ जी, तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वो जो रोड है वो वहाँ से आ रही है और यहाँ पर जा रही है। तो गाइस एक्चुअली इस जगह ही आके मैं गिरा था और रोड से रगड़ते हुए जाके मैं वो जो आप ग्रास वाला एरिया देख रहे हैं वहाँ गिरा था और बाइक मेरी इस जगह थी। आपको मैं सीन बताता हूँ पूरा, हुआ ये था कि ये जैसा आप मोड़ देख रहे हैं बहुत अच्छा कॉर्नर है और रोड पूरी खाली रहती है। तो गाइस हम लोग हमेशा इस रोड पे कॉर्नर करते क्योंकि रोड हमेशा खाली रहती, कोई सामने से आता जाता नहीं है, तो हम लोग हमेशा इस रोड पे कॉर्नर लेते थे। तो उस दिन भी मैं कॉर्नर ही ले रहा था, तो पेड़ की वजह से एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ से एक ऑटो वाले भाई साहब आ रहे थे और आप लोग यहाँ पर शायद समझ ही चुके होंगे ऑटो वाले भाई साहब का नाम सुनते ही हुआ क्या था। तो उनके साथ लेडीज़ बैठी हुई थी जिससे वो उनसे बात करते करते पीछे देख के ऑटो चला रहे थे, तो उनका कंट्रोल नहीं रहा ऑटो पर और ऑटो उनकी लेफ्ट साइड की जगह मेरी साइड उधर आ गया। तो पता है कि मेरी जो बाइक है वो है नॉन एबीएस, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, तो इसी वजह से तो गाइस मैं से कॉर्नर लेके आ रहा था। जब ऑटो वाले को मैंने एकदम जस्ट सामने देखा, मैंने उसको हॉर्न दिया, तो गाइस वो बंदा होपलेस होके उसने अपनी लेफ्ट साइड इधर ऑटो करने की जगह उसने मेरी साइड और ज़्यादा ही ऑटो काट दिया। जब उसने मेरी तरफ काटा मैंने ब्रेक मारा और गाइस बाइक फिसल के सीधे जाके ऑटो में, बस समझ जाओ। तो गाइस ऐसे ऐसे यहाँ पर हमारा कुछ हुआ था एक्सीडेंट, यही रोड है, यहीं से हम कॉर्नर लेके आ रहे थे, यहीं पर जाके बाइक हमारी ऑटो में हिट हुई थी। इस जगह मैं वहाँ गिरा था, यहाँ से रगड़ता हुआ आया था वहाँ गिरा था और बाइक मेरी इस जगह हिट होके पूरी टूट के सब हो गया था सीन। तो गाइस चलिए पहले अभी आप लोग को हम जो है अभी फ़िलहाल हम लोग की जो बाइक है वो बन चुकी है, तो आप लोग को हम जो है अपनी बाइक दिखाते हैं कि अब देखने में कैसी लग रही है फ़िलहाल।
ठीक है गाइस। तो गाइस पहले आप लोग हमारी बाइक के सिनेमैटिक्स एंजॉय करिए, फिर आपको हम बताते हैं कि हमारी बाइक में जो है खर्चा कितना आ गया है, मतलब कि पूरी बॉडी आगे से पीछे तक जो है हमने बॉडी डलाई है उसमें कितना खर्चा आ गया है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी वही हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो गाइस चलिए आप लोगों से हम लोग मिलते डायरेक्ट सिनेमैटिक में, आप लोग बाइक के सिनेमैटिक्स एंजॉय करिए, क्योंकि गाइस हमारी बाइक जो है वो बन के आ चुकी है। तो गाइस चलिए आप लोगों से हम लोग मिलते डायरेक्ट सिनेमैटिक से। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारी जो बॉडी है बाइक की वो हमने यहाँ पर पूरी की पूरी नई डलवाई है, आप लोग देख ही सकते हैं। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर पुरानी हैं, जैसे कि ये वाली जो बॉडी है हमारा फ्रंट फेस इसका ये नए हैं, ठीक है। साथ ही साथ गाइस प्रोजेक्टर इसके जो है नए तो नहीं है, लेकिन हाँ गाइस इसी के जो होल्डर्स थे वो यहाँ पर नए हैं। ये चीज़ यहाँ पर नई आप लोग को मिल जाएगी, ये भी आप लोग को जो फेंडर है इसका वो भी नया मिल जाएगा। साथ ही साथ गाइस ये वाली जो बॉडी है पूरी ये नई मिल जाएगी, ये आप लोग को पुराना मिलेगा। वाइज़र आप लोग को मॉडिफाइड दिख रहा होगा पहले से, ये भी आप लोग को पुराना मिल जाएगा। मतलब गाइस ये जो ब्लैक ब्लैक वाला पार्ट है ना, ये सब तो गाइस ये सब चीज़ें जो हैं ये सब पुरानी हैं, जैसे ये हो गया ये सब चीज़ें पुरानी हैं। बाकी गाइस ये पार्ट मेरा बच गया था, लेकिन फिर भी मैंने जो है इसको जो है चेंज करा दिया है। तो मतलब कि ये हो गया टैंक, हो गया फ्रंट, ये हो गया अपना मड गार्ड हो गया, इसी के साथ साथ गाइस अपना ये पार्ट हो गया, दोनों साइड की बात कर रहा हूँ मैं पूरा। तो गाइस इतना हम लोगों ने इसमें न्यू डलवाया, और अभी भी कुछ कुछ चीज़ें इसमें इनकम्प्लीट है। जैसा आप लोग देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पर अभी तक हमें नहीं मिला है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कोरोना की वजह से पार्ट्स जो हैं अवेलेबल नहीं है, तो ये हमारा अभी तक नहीं मिला है हम लोग को। इसी के साथ साथ गाइस मीटर का आप लोग को ये देख सकते हैं ग्लास जो है यहाँ पर क्रैक आ रखा है इसमें। तो गाइस ये भी हम लोग को यहाँ पर न्यू नहीं मिला है, ये पार्ट पुराना ही है, इसको मैं चेंज कराऊंगा आगे जाके। ये और ये पूरा हम लोग एक साथ में ही चेंज कराएंगे। तो गाइस यहाँ पर जो हम लोग की गाड़ी में आप लोग देख सकते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें नई लगाई हैं, और आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमारी जो डेविल है अब यहाँ पर पहले से कैसे लग रही है। आप लोग को यहाँ पर अब इसका लोगो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ जैसे मैं आप लोग को बताना भूल गया कि जो मिरर्स है वो भी यहाँ पर डैमेज हो गए थे। एक डैमेज हुआ था लेकिन मैंने दोनों ही निकाल दिए, फिर अच्छी नहीं लग रही थी बाइक एक मिरर से। और गाइस मैंने यहाँ पर टोटल काम बाहर से कराया, क्योंकि कंपनी वालों ने मुझे जनवरी लास्ट तक टाल दिया था कि इतना टाइम इसमें लग जाएगा, ठीक है गाइस। इसी के साथ साथ आप लोग को मैं बता दूँ सस्पेंशन इसका बेंड था। तो गाइस अगर हम लोग यहाँ पर खर्चे की बात करें तो गाइस बॉडी हम लोगों ने जुगाड़ से मंगवाई थी। अगर आप लोग को किसी को चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप लोग को चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा इंस्टाग्राम आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोग को कॉस्टिंग बता दूंगा कि इतनी बॉडी की जो हमारी कॉस्टिंग आई थी वो कितनी आई थी। आप लोग को चाहिए तो आप लोग वहाँ से मंगवा सकते हैं। तो गाइस मैं आप लोग को पहले बता दूँ ये जो बॉडी है ये यहाँ पर ओरिजिनल नहीं है, ये पेंटेड बॉडी है किसी और बाइक की, मतलब कोई और कलर हो या कोई और आर एस हो उसकी पेंटेड बॉडी है। लेकिन गाइस हम लोग को जल्दी से जल्दी काम चलाना था, पैसे वाली तो बात नहीं थी, लेकिन गाइस पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे इस वजह से हम लोग को ऐसे करना पड़ा। तो अगर आप लोग को किसी को चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोग को पूरी डिटेल्स दे दूँगा। तो गाइस खर्चे की अगर हम लोग बात करें तो गाइस हमारा इसमें खर्चा आ गया था, जो हम लोग की इतनी बॉडी है वो हम लोग को पड़ी थी अप्रॉक्स आसपास की, हम लोग को ये पूरी बॉडी पड़ गई थी। साथ ही साथ गाइस फिर हम लोग से बाहर से फिटिंग कराना, सस्पेंशन वगैरह ये सब चीज़ें सही कराना, उसमें हम लोग का टोटल जो खर्चा वो अप्रॉक्स 14-15,000 का आ गया था, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, अगर आप कहाँ से सही करा रहे हैं उस पर वेरी करता है। तो गाइस ये है हमारी डेविल जो अब चेंज होकर आ चुकी है, राइड्स के लिए फिर से तैयार है। तो गाइस आप लोग को हमारी डेविल कैसे लगी, अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी चीज़ें आप लोग को गाइस जो हमेशा आप लोग राइड करिए, हमेशा अपने गियर्स पहन के करिए। मैंने भी हेलमेट, ग्लव्स और राइडिंग शूज़ वगैरह पहन रखे थे, इस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा चोट नहीं आई। लेकिन गाइस फिर भी मैं अपने गार्ड्स लेने जा रहा था, तो गाइस जहाँ जहाँ गार्ड्स पहने जाते वहाँ वहाँ तो मुझे भी चोट आई थी। तो गाइस हमेशा गार्ड्स पहन के राइड करिए। रोड पर कभी किसी का हम लोग कुछ नहीं कह सकते, हम लोग कितना भी सही चला रहे हो दूसरा बंदा कब आके हम पे घुस जाता है हम कुछ भी इसमें नहीं कह सकते। तो गाइस हमेशा गियर्स के साथ राइड करिए, कंट्रोल में राइड करिए। तो गाइस चलिए आप लोगों से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट शॉट में।
सो गाइस जैसा कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, आप लोग को ये भी पता चल गया कि हमारी जो बाइक में पूरी बॉडी में खर्चा कितना आ गया था और क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं चेंज हुई है और मेरा एक्सीडेंट कहाँ पर कैसे हुआ था। बाकी गाइस सिनेमैटिक्स आप लोग को कैसे लगे, अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस मैं आप लोगों से सिर्फ हमेशा ये बोलना चाहूँगा कि मैंने गियर्स पहन रखे थे, ग्लव्स पहन रखे थे, राइडिंग शूज पहन रखे थे, जिसकी वजह से मेरे चोट ऐसी जगह पे नहीं आई कि मुझे दिक्कत हो जाती। बाकी गाइस उस दिन मैं अपने गार्ड्स लेने ही जा रहा था, अगर गार्ड्स लिए होते तो जो बाकी यहाँ पैर में और बाकी चोट आई थी वो चोट मेरे नहीं आती। तो गाइस हमेशा मैं ये बोलूँगा कि राइड सेफ करो, कंट्रोल में करो और हमेशा प्रॉपरली गियर्स पहन के करो, क्योंकि गाइस बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ही हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। तो गाइस हमेशा गियर्स पहन के राइड करो और कंट्रोल में राइड करो। तो गाइस अगर आप लोगों को जो वीडियो किसी भी रीज़न से इन्फॉर्मेटिव लगी हो या फिर किसी भी रीज़न से अच्छी लगी हो तो गाइस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे न्यू है, बाइक रिलेटेड कंटेंट, बाइक राइड और मोटो व्लॉगिंग टाइप का कंटेंट अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो गाइस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ। सो प्लीज सबर कराए प्लीज सब सर। आई वांट टू रीच 1,000,000 लाइक्स, सो प्लीज सर पकड़ाए। ओके थैंक यू।